बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, एसेंट ऑफ सैब ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे ट्रांसलोकेशन होता क्या है। इसमें ना थ्योरीज डिस्कस करेंगे आज हम बेटा, और ये जो क्वेश्चन है कभी कभी वो ऐसे दे देता है, राइट अ कंप्लीट नोट ऑन एसेंट ऑफ सैब, उसमें आपने सारी थ्योरीज लिखनी होती हैं। लेकिन कभी कभी सिर्फ वो कहता है कि एसेंट ऑफ सैप में कोहेशन टेंशन थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन करें, तो उसमें आपने सिर्फ एसेंट ऑफ सैप को पहले एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा उसके बारे में बताना है कि वो होता क्या है। देन आपने ये जो फोर्थ पे हमने नंबर पे एक थ्योरी लिखी है कोहेशन टेंशन थ्योरी, ये हमने जो है वो लिखनी है उस पे। तो उसके बाद मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म भी लाजमी लिखना है, चाहे एसेंट ऑफ सैप कंप्लीट आ जाए, चाहे आपको वो सिर्फ और सिर्फ कोहेशन टेंशन थ्योरी पूछे, लास्ट पे हमने मैकेनिज्म जरूर लिखना है। एसेंट ऑफ सैप क्या है बेटा? एसेंट ऑफ सैप होता है कि जाइलम के अंदर वाटर और डिजोल्व मिनरल्स जो हैं वो किस तरह इतनी बुलंदी वाले ट्री होते हैं, इतने बुलंदी वाले जो है वो प्लांट्स होते हैं, स्पेशली ट्रीज जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स वगैरह, तो इनकी टिप तक पानी कैसे पहुंचता है? क्योंकि प्लांट जो है वो पानी रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रंट्स भी रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करता है, ये हमने पढ़ा है। तो रूट्स में तो चले एब्जॉर्प्शन के जरिए, डिफ्यूजन हो गई, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, इम्बिबिशन वगैरह वगैरह के जरिए जो है वो पानी आ जाता है, डिजोल्व मिनरल भी आ जाते हैं। लेकिन वहां से लीफ तक पहुंचना या वहां से ब्रांच की टिप तक एंड तक पहुंचना, क्योंकि हर सेल को, लिविंग सेल को वाटर की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में होते हैं, तो वहां तक पानी कैसे चला जाता है, यानी कि ये जो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट है ये कैसे होती है। तो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट के बारे में पहले कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरीज जो हैं वो दी, और उस थ्योरीज पे ऑब्जेक्शंस भी लगते रहे, काफ़ी ऑब्जेक्शंस निकलते रहे, फिर लास्ट पे जो थ्योरी आई हमारे पास, ऑब्जेक्शंस तो उस थ्योरी पे भी हैं लेकिन वो थ्योरी बाकी सब थ्योरीज की निस्बत हमें ज़्यादा जो है वो वैलिड नज़र आ रही थी, डेट इज़ कोहेशन टेंशन थ्योरी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जाइलम के अंदर से उसके जो ल्यूमन होता है, उसकी कैविटीज़ का जो ल्यूमन होता है उसके अंदर से वाटर अपवर्ड मूव करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, या फिर उसे हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। यहाँ पे हम जाइलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें बेटा। जाइलम जो है वो एक कंपाउंड टिश्यू है, वो कोई एक तरह का टिश्यू नहीं है। कंपाउंड टिश्यू होता है जो डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलकर बना हो, हालांकि टिश्यू की डेफिनेशन होती है सेम काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, बट इन केस ऑफ कंपाउंड टिश्यू देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। यानी कि जो जाइलम है वो हमारे पास एक कंपाउंड टिश्यू है, और उसमें हमने उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे बॉटनी डी की एनाटॉमी में, कि जाइलम में ट्रैकीड्स होते हैं जो कि लंबी लंबी ट्यूब्स की तरह के होते हैं, और टेपर्ड एंड होते हैं, उनके वेसल्स होती हैं, वेसल्स इतनी लॉन्ग नहीं होती, ब्रॉड ज़्यादा होती हैं, एंड टू एंड ज्वाइन करती हैं, और वेसल्स के एंड पे परफोरेशंस भी होती हैं, सुराख भी होती हैं, जिसकी वजह से वेसल्स के अंदर पाए जाने वाला जो मटीरियल है वो अपवर्ड मूव करता है, वन वेसल टू अनदर वेसल। इसके अलावा इनके साथ कुछ पैरेन्काइमा लगे होते हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए फाइबर्स लगे होते हैं। फाइबर्स जो हैं वो भी हमारे पास मोटी मोटी सेल वॉल वाले, थिक सेल वॉल वाले, इलोंगेटेड सेल्स हैं, बट दे आर नॉट कंडक्टर, कंडक्टिंग सेल्स, ये कंडक्टिंग सेल्स नहीं हैं। वैसे ही जाइलम के जो कंपोजिशन है उसका हिस्सा है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं जाइलम को। इसके अलावा जो प्लांट है हमारे पास उसको भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो एक्चुअली में फिर जो हमारे पास जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं वो कंडक्टिंग जो है वो टिश्यू हैं, हमारे पास कंडक्टिंग सेल्स हैं। तो हम देखेंगे कि जो इलोंगेटेड से ट्रैकीड्स हैं, जैसे ये हमारे पास पॉइंटर है, इसका जो अंदर है वो बिल्कुल होलो है, और ट्यूब की का जो इंटरनल होलो जो होता है बेटा हमारे पास, उसको हम कहते हैं ल्यूमन।
तो इसी तरह जाइलम की कैविटी होती है, यानी ट्रेकिड्स की कैविटी होती है, और हम इस होलो कैविटी को ल्यूमन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन ट्रेकिड्स और वेसल्स के ल्यूमन के अंदर से वाटर का ट्रांसपोर्ट होना है, और ये ट्रांसपोर्ट भी डाउन जो है पोजीशन से अप पोजीशन की तरफ होता है, यानी कि रूट्स से स्टेम लीव्स ब्रांचेस की तरफ। तो हमें पता है जो ग्रेविटी होती है वो डाउनवर्ड होती है और वाटर अपवर्ड मूव करता है। तो ट्रांसलोकेशन इन एसेंस ऑफ सैप के डेफिनेशन में फिर आप ये भी लिखेंगे कि वाटर और डिजोल्व मिनरल अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इन प्लांट्स, वाटर ऊपर पुल होता है और ये अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, ये जो ग्रेविटी होती है इसके अगेंस्ट वाटर ऊपर मूव करता है। प्लांट के अंदर कौन से मैकेनिज्म्स हैं, ऐसी कौन सी चीज है प्लांट के अंदर जो पानी को ऊपर लेके जाती है। नॉर्मली बेटा अगर पानी पड़ा हो और उसमें हम पाइप रख दें तो पानी खुद ब खुद ऊपर तो नहीं चल रहा, अगर चढ़ेगा भी किसी ना किसी वजह से तो इतनी ऊपर तक जितने टॉल ट्रीज होते हैं हमारे पास उनके टिप तक नहीं जा सकता। तो फिर ये मैकेनिज्म एसेंट ऑफ सैप यानी ट्रांसलोकेशन का समझने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरह की थ्योरीज दी। सबसे पहले उन्होंने थोड़ी सी बात की है कि पाथ ऑफ वाटर स्ट्रीम कौन सा होता है, कि वाटर जो है उसका कौन सा पाथ है, वो किसके जरिए मूव करता है। तो डेफिनेटली वो ल्यूमन ऑफ जाइलम के जरिए, हमने अभी बात की कि वो जाइलम के ल्यूमन के जरिए मूव करता है, जाइलम की दीवारों के जरिए नहीं करता, यानी उसके अंदर जाइलम के जो ट्रेकिड्स और वेसल्स होते हैं ये अंदर से होलो होते हैं, ल्यूमन जिसे हम कहते हैं। कंडक्टिंग वेसल्स क्योंकि छोटी होती हैं लेकिन ब्रॉड होती हैं, और हमने कहा था ये एंड टू एंड ज्वाइन भी करती हैं, ये एंड टू एंड ज्वाइन पिट्स के जरिए करती हैं, और पिट्स क्या होते हैं, हमने बॉटनी भी एनाटॉमी में दो तरह के पिट्स, सिंपल पिट्स और बॉर्डर पिट्स के बारे में पढ़ा था। पोर्स होते हैं बेटा सेकेंडरी वॉल के अंदर, तो एडजेसेंट सेल्स में जो पोर्स होते हैं इनके दरमियान जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो प्लाज्मोडेस्माटा भी कहलाता है, तो उन स्मॉल पोर्स को हम पिट्स कहते हैं। कहते हैं जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, अब जो वाटर की स्ट्रीम है वो उसका पाथ रास्ता कौन सा है, डेफिनेटली उसका रास्ता जो है रूट के अंदर पाया जाने वाला जाइलम है, और रूट के अंदर पाए जाने वाले जो जाइलम है उसके ट्रेकिड्स और उसके वेसल्स एंड टू एंड ज्वाइन करके अपवर्ड जो है वो मूव करते हैं इवन लीफ के मार्जिन्स तक। तो फिर कंडक्टिंग टिश्यूज हमारे पास कौन कौन से हैं, ट्रेकिड्स हैं, वेसल्स हैं, और इनसे जुड़े हुए क्या है, पैरेन्काइमा है और फाइबर्स। हालांकि ये फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास कंडक्टिंग नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग टिश्यू है, नॉन कंडक्टिव है, और इसका काम फिर क्या है, इसका काम है फिर ओनली सपोर्ट का। इसका मतलब है जाइलम के अंदर ये जो फोर्थ वाला कंपाउंड है, इसका कंपोनेंट है फाइबर, ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प नहीं करता, ये जस्ट सपोर्ट करता है। लेकिन ट्रांसलोकेशन में फिर सबसे ज्यादा जाइलम के कौन से पार्ट हेल्प करते हैं, नंबर वन ट्रेकिड्स एंड नंबर टू वेसल्स। ट्रांसलोकेशन होती कैसे है, सबसे पहली थ्योरी है हमारे पास बेटा रूट प्रेशर। कहते हैं कि हो सकता है ये पहली थ्योरी के मुताबिक ऐसा होता हो कि जब वाटर सॉयल से एब्जॉर्ब होता है तो वाटर प्रेशर के साथ रूट के अंदर जाता है, और रूट के जो सेल्स हैं कॉर्टेक्स के सेल हो गए, एपिडर्मस के सेल्स हो गए, वो भी प्रेशर से वाटर को फॉरवर्ड मूव करते हैं जाइलम के अंदर। और जाइलम एक ट्यूब की तरह का होता है, ट्रेकिड्स भी ट्यूब की तरह की, वेसल्स भी एंड टू एंड ज्वाइन करके ट्यूब बनाते हैं, तो इनमें प्रेशर की वजह से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है इसकी वजह से वाटर शायद ऊपर मूव करता है, अपवर्ड मूव करता है। दैट थ्योरी इज नोन एज रूट प्रेशर थ्योरी। उन्होंने कहा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेटेड इन रूट्स फोर्सेस वाटर अपवर्ड, रूट में जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से जो वाटर है वो अपवर्ड मूव करता है। लेकिन ये बात बेटा हमें यहाँ इतने छोटे प्लांट्स में समझ आती है, बड़े प्लांट्स में क्या रूट्स की इतनी एबिलिटी होती है, इतनी फोर्स उनके पास होती है रूट्स के पास कि वो वाटर को टाल ट्रीज के टिप्स तक ले जाए। तो कुछ ऑब्जेक्शंस थे रूट प्रेशर थ्योरी पे जिसकी वजह से ये थ्योरी फिर उन्होंने डिस्प्लेस कर दी। पहला ऑब्जेक्शन है कि रूट प्रेशर ठीक है होता है, रूट के सेल्स
और रूट जो में आने वाला जो वाटर है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इतनी नहीं है कि हमारे पास यूकलिप्टस के पौधे, कॉनिफर्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनके पौधे 200-200 फीट, 300-300 फीट से अबव, और सबसे बड़े पौधे हमने 600 फीट तक के भी देखे हैं। तो रूट के प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इतना अबव जो है वो वाटर को वो प्रेशर के जरिए लेके जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो रूट प्रेशर होता है होता जरूर है, बट इसकी मैग्नीट्यूड बहुत लो होती है। इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो सिर्फ 3 एटमोस्फेयर होती है। 3 एटमोस्फेयर जो रूट प्रेशर की वैल्यू है, ये बहुत हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं जैसे घास वगैरह, उनमें ये प्रोसेस जो है वो हम मान सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास टाल ट्रीज हैं वो इतने ऊंचे होते हैं कि अगर इस रूट प्रेशर की वजह से पानी आपने उनकी ऊंचाई तक पहुंचाना है तो आपको कम से कम ये प्रेशर 20 एटमोस्फेयर का चाहिए। हालांकि मैक्सिमम रूट प्रेशर होता है 3 एटमोस्फेयर का। तो रूट प्रेशर बड़े ट्रीज में जो है वो फिर काम नहीं करता। तो हम तो पढ़ रहे हैं एसेंट ऑफ सैप हर तरह के पौधे में, तो बड़े ट्रीज में फिर एसेंट ऑफ सैप जो है वो किस तरह होता है, एक तो ये ऑब्जेक्शन थी। दूसरी ऑब्जेक्शन थी बेटा, रूट प्रेशर शो सीजनल फ्लक्चुएशन। हमने देखा है इसमें सीजनल फ्लक्चुएशंस होती हैं, मतलब स्प्रिंग में हमारे पास जैसे मौसम बहार होती है बेटा, सारे पत्ते हमारे पास ऑटमन सीजन में झड़ जाते हैं और स्प्रिंग में न्यू पत्ते निकलते हैं। जब न्यू लीव्स स्प्रिंग में निकल रहे होते हैं तो ऊपर ट्रांसपरेशन नहीं होती, लीव की सरफेस पे वाटर जो है वो मूव करता है, वाटर बाहर जो है वो निकल जाता है स्टोमेटा के जरिए, डेट इज ट्रांसपरेशन। जब लीव्स ही नहीं है या लीव्स बहुत छोटे छोटे हैं तो ट्रांसपरेशन की वैल्यू भी लो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ऊपर और स्प्रिंग सीजन में जो ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट की वो भी इतनी जो है वो ज्यादा होती है, यानी नमी वाला मौसम होता है। तो इस स्प्रिंग सीजन में हमने देखा है कि रूट प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती है, हालांकि इस सीजन में इसकी वैल्यू कम भी हो क्योंकि जो है वो ट्रांसपरेशन इतनी नहीं होती तो प्लांट के अंदर पानी की कमी नहीं होती, लॉस ऑफ वाटर जो नहीं होता। लेकिन हमने समर में देखा है मौसम गर्मा में कि ज्यादा जो है वो टेम्परेचर होने की वजह से ट्रांसपरेशन का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन समर में रूट प्रेशर का रेट कम हो जाता है। तो हालांकि समर में रूट प्रेशर का रेट ज्यादा होना चाहिए। तो सीजन के लिहाज से रूट प्रेशर की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। अगर ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट करती फिर तो समझ आती, लेकिन जिस सीजन में इसको ज्यादा होना चाहिए उस सीजन में ये कम है और जिस सीजन में कम होना चाहिए उस सीजन में ये ज्यादा है। तो इस सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से भी रूट प्रेशर पे ये वाली ऑब्जेक्शन थी। और हमारे पास तीसरी ऑब्जेक्शन है कि हमने रूट प्रेशर को बिल्कुल निग्लिजिबल कर दिया, हमने रूट प्रेशर को बिल्कुल निग्लिजिबल कर दिया, बिल्कुल खत्म करके भी देखा। कुछ प्लांट्स ने रूट प्रेशर जीरो करके भी देखा, पानी फिर भी अपवर्ड मूव कर रहा था, तो फिर वो पानी कैसे मूव कर रहा था अपवर्ड, ये भी एक ऑब्जेक्शन थी। और चौथी ऑब्जेक्शन थी कि जिम्नोस्पर्म्स जो पौधे हैं, टाल ट्रीज, बड़े बड़े दरख्त, कॉनिफर्स वगैरह हो गए, तो ज्यादातर बेटा ये टेम्परेट इलाकों में पाए जाते हैं, तो इनमें हमने रूट प्रेशर देखा ही नहीं, इनमें रूट प्रेशर बिल्कुल जीरो है, रूट प्रेशर वाला मैकेनिज्म इनमें होता ही नहीं है, इनकी रूट्स में रूट प्रेशर वाला मैकेनिज्म होता ही नहीं है। तो फिर जिम्नोस्पर्म इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, इनकी टिप्स तक पानी ले जाने के लिए, इनके लीव्स तक पानी ले जाने के लिए फिर कौन सा मैकेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो इन चार ऑब्जेक्शंस की वजह से रूट प्रेशर की थ्योरी हमारे पास क्या हो गई, फॉल हो गई। दूसरी थ्योरी फिर आई हमारे पास कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होती है, ये दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने वाटर एक जो है वो हमारे पास बीकर ले लें या किसी चीज में हमने वाटर लिया, तो उसमें हमने बारीक बारीक ग्लास की ट्यूब्स, जिस तरह टेस्ट ट्यूब्स होती हैं लेकिन उनके दोनों एंड ओपन थे, उन ट्यूब्स को हमने डिप किया, तो वो ट्यूब डिफरेंट डायमीटर की थी, डिफरेंट मोटाई वाली थी। हमने देखा जो ट्यूब मोटी थी उसमें पानी का जो लेवल था वो नीचे था, लेकिन जो ट्यूब जितनी बारीक थी उसमें पानी का लेवल ऊपर था। कहने से मुराद ये है कि ये जो नाली है, ये जो ट्यूब है, इसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ये जो बारीक सी ट्यूब होती है, ये ट्यूब जितनी बारीक होगी पानी में डिप करेंगे तो पानी खुद ब खुद अपवर्ड मूव करेगा। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं कैपिलैरिटी, के
ट्यूब का जो बोर है वो नैरो होने की वजह से वाटर अपवर्ड मूव करता है. तो अपवर्ड मूवमेंट ड्यू टू कैपिलरिटी इज नोन कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी. तो ये जो कैपिलरिटी कहते हैं जाइलम की जो ट्यूब्स हैं जैसे ट्रेकिड्स हो गए वेसल्स हो गए वो भी तो नैरो हैं, बहुत बारीक सी ट्यूब्स होती हैं. तो हो सकता है कि बारीक ट्यूब होने की वजह से पानी का जो लेवल है वो खुद ब खुद रेज कर जाता हो. तो कैपिलरिटी ग्लास ट्यूब है नैरो बोर के साथ. यहां एक बात जरूर देखे बेटा ये वाली कि हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर ऑफ ट्यूब. के अगर ट्यूब का ये डायामीटर मोटा होगा तो लेवल कम होगा, अगर ट्यूब का डायामीटर बारीक होगी ट्यूब डायामीटर कम होगा तो लेवल ऊपर होगा. मीन डायामीटर ज्यादा लेवल कम, डायामीटर कम लेवल ज्यादा. तो ये जो रिलेशन होगा वाटर के लेवल का वाटर की हाइट का ये उस कैपिलरी ट्यूब के डायामीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो जाइलम की ट्यूब तो बहुत ज्यादा बारीक होती हैं, इसलिए जितनी ज्यादा बारीक ट्यूब होगी पानी का लेवल उतना ही ऊंचा होगा कैपिलरिटी एक्शन की वजह से. तो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्शन आई हमारे पास कि हमारे पास जो जाइलम की वेसल है असल में उसका जो बोर है, बेटा बोर भी डायमीटर को कहते हैं, ये जो ट्यूब है ना इसके अंदर जो ल्यूमन जिसको हमने बोला था उसका जो साइज होता है उसको हम बोर बोलते हैं, कि जाइलम की वेसल का जो बोर है वो हमारे पास है ओनली 40 नैनोमीटर. और इतना बोर अगर पानी को ऊपर खींचे भी कैपिलरी एक्शन की वजह से तो वो सिर्फ 40 सेंटीमीटर ऊपर खींच सकता है. लेकिन हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं. तो इतने बड़े ट्री में इतनी लंबी कैपिलरी ट्यूब जो हमारे पास जाइलम की है क्या वो खुद ब खुद पानी को कैपिलरी एक्शन की वजह से इतनी टिप पे ले जाती है? हालांकि उसका जो बोर है उसके मुताबिक अगर हम उसकी वैल्यू निकालें तो वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक ले जा सकती है, उससे ऊपर पानी इस तरह कैपिलरिटी एक्शन की वजह से नहीं जा सकता. दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा आपने कहा था कि इन कैपिलरी ट्यूब्स को पानी में डिप करें. हालांकि नेचर में जो रूट्स होती हैं अगर ये मान भी लिया जाए कि वो कैपिलरी की वजह से कैपिलरिटी की वजह से वाटर ऊपर मूव करता है तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि कैपिलरिटी का फिनोमिना तब देखने को मिलता है जब वाटर ओपन हो और हमने उनमें टिप्स जो हैं उनकी वो डिप की हो कैपिलरी ट्यूब की. लेकिन असल में तो सॉइल जो है वो पार्टिकल्स का जखीरा है, वो वाटर नहीं है सारे का सारा, और उसमें जाइलम की जो ट्यूब्स है वो डिप नहीं है, उनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है. तो इसलिए ये दो ऑब्जेक्शंस की वजह से कैपिलरी जो एक्शन था कैपिलरिटी वो भी हमारे पास क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेस हो गई. तीसरा वाइटल थ्योरीज, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी. उनमें से एक साइंटिस्ट है गोडलविस्की, इसने कहा था कि पानी जो है ना वो पंपिंग एक्शन की वजह से मूव करता है. फॉर एग्जांपल अगर एपिडर्मल सेल है ना रूट के, उन्होंने पानी अब्जॉर्ब किया तो उन्होंने पंप कर दिया पानी कॉर्टेक्स सेल में, कॉर्टेक्स सेल्स ने पंप कर दिया पानी प्रेशर की वजह से, क्योंकि पानी ज्यादा हो जाता है तो वो नेबर सेल को दे देते हैं, तो वो प्रेशर कर दिया उन्होंने साथ वाले एंडोडर्मस सेल में, एंडोडर्मस के आगे जाइलम था जाइलम में चला गया. जाइलम की वेसल्स एंड टू एंड ज्वाइन करती हैं तो एक वेसल दूसरी से ले लेती है दूसरी तीसरी से, तो इस तरह पंपिंग एक्शन की वजह से वाटर ऊपर मूव कर जाता है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से इस तरह होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाना, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाना, जिसकी वजह से टर्गर कम हो जाता है और सेल श्रिंक कर जाता है. फिर सेल क्या करता है, क्योंकि सॉल्वेंट की तादाद कम हो जाती है वाटर के मॉलिक्यूल की तादाद कम हो जाती है इसलिए वो साथ वाले सेल से उसको खींच लेता है पानी को. तो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सक्शन प्रेशर भी इसको कहते हैं. इसकी वजह से कहते हैं कि पानी पुश कर दिया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, ये गोडलविस्की ने कहा था. उसके बाद जेसी बोस ने बोला था कि एसेंट ऑफ सैप पल्सेटरी एक्टिविटी ऑफ कॉर्टिकल सेल, कि जो कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं रूट के, हो सकता है ये ऐसे होता हो कि जो वाटर है वो एपिडर्मस से कॉर्टेक्स में आ जाता हो, लेकिन कॉर्टेक्स वाले सेल जो है वो फिर पल्सेटरी एक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हो स्पीडली कि पानी जो है वो जाइलम में चला जाता हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हो जैसे पालम, जैसे हमारी पल्स चलती है ना, नर्व्स चलती है इस एक्टिविटी की वजह से. लेकिन इन दोनों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट नहीं शो किए और ना ही इन्होंने इसको प्रूव किया, इसलिए ये भी डिसप्रूव हो गई. साइंटिस्ट
हमारे पास कोहेशन टेंशन थ्योरी जो आई, उन्होंने फिर जो है वो डिग्जोन एक साइंटिस्ट था बेटा, इसने ये वाली थ्योरी पेश की, और ये थ्योरी कदरे हमें जो है वो बेटर नजर आती है, और आज हम इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसेंट ऑफ सैप को जो है वो बिलीव करते हैं कि एसेंट ऑफ सैप इसी वजह से होता होगा, और नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो चुका है। लेकिन इस पे भी कुछ ऑब्जेक्शन हैं जो इतनी मायने नहीं रखती। डिग्जोन ने कहा था कि कोहेशन टेंशन थ्योरी के नेगेटिव प्रेशर सक्शन की वजह से लीव्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लीव्स साथ वाले सेल्स से और साथ वाले सेल्स फिर उन साथ वाले सेल्स से वाटर ले लेते हैं। अब ये सक्शन प्रेशर लीव्स में क्यों आया? क्योंकि लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से पानी बाहर चला जाता है ट्रांसपरेशन के जरिए। तो ऊपर ट्रांसपरेशन होती है, लीव्स से पानी बाहर निकल जाता है, लीव्स में पानी की कमी हो जाती है, लीव्स में मेसोफिल सेल साथ वाले सेल से पानी ले लेते हैं, साथ वाले सेल में पानी की कमी हो जाती है, फिर वो कहाँ से ले लेते हैं? जाइलम पड़ी होती है, जाइलम के ट्यूब से ले लेते हैं, और जाइलम ट्यूब जो है वो हमें पता है लेंथ वाइज रूट तक जाती है, वो रूट से पानी ले लेती है, और इसी तरह रूट का जाइलम जो है वो अपने कॉर्टेक्स से पानी ले लेगा, और कॉर्टेक्स से जब जाइलम में पानी चला जाएगा तो कॉर्टेक्स सेल्स में पानी की कमी हो जाएगी, और वो किससे ले लेगा? एपिडर्मस से, और एपिडर्मल सेल्स जो है वो बाहर से सक्शन प्रेशर के जरिए पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और असल में ये हो किस वजह से रहा है? अगर ऊपर वाली फोर्स ही हम खत्म कर देना बेटा, तो ये सारी चेन खत्म हो जाए। सो ट्रांसपरेशनल पुल जो ऊपर है, ये जो हवा की वजह से स्टोमेटा के जरिए वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं, इसकी वजह से वाटर ऊपर मूव करता है। तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपरेशनल पुल, और जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड मूव करता है, दिस इज कोहेशन टेंशन थ्योरी। नाउ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ ट्रांसपरेशन ही नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो मिलके काम करते हैं और वाटर को इतनी ऊंचाई, इवन 600 feet ऊंचा आपके पास ट्री है उसमें मिले जाते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले ट्रांसपरेशन का होना जरूरी है, ट्रांसपरेशनल पुल। ट्रांसपरेशन है क्या? पानी का वेपोरेट हो जाना स्टोमेटा के जरिए, जिसकी वजह से जो लीव्स हैं उनमें पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसको सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, इसको पुलिंग प्रेशर भी कहते हैं बेटा, इसको नेगेटिव प्रेशर भी कहते हैं, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, कोहेशन। और हमें यह भी पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ, एक ही ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, उसके साथ उनके बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े होते हैं, तो कोहेशन, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेशन। अब बेटा ट्रांसपरेशन अगर हुई है तो उसका मतलब क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, एक गया है तो डेफिनेटली उसके साथ जुड़ा है दूसरा, तो दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, चौथा भी जाएगा। यानी कि इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल में होती है कोहेशन, तो कोहेशन की वजह से वो जब ट्रांसपरेशन पुल के जरिए बाहर जाते हैं तो लीव्स में पानी की कमी हो जाती है। जब वो साथ वाले सेल से लेगा तो वो भी एक मॉलिक्यूल नहीं लेगा, क्योंकि काफी ज्यादा मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें कोहेशन होती है, उनमें अट्रैक्शन की फोर्स होती है, इसलिए जो है वो कोहेशन का भी रोल है। टेंशन, टेंशन का मतलब है तनाव। सीधी ट्यूब्स होती हैं जाइलम की, जिसकी वजह से वाटर उनके ल्यूमन में सीधा सीधा जैसे चेन चल रही है टेंशन की तरह तनाव में जा रहा होता है, दिस इज टेंशन। और अडहेशन, अडहेशन का मतलब है कि अगर ये जाइलम है, ये ट्रैकिड है, इसकी अंदर जो ल्यूमन है उसके अंदर से सीधा कॉलम वाटर का जा रहा है, तनाव में जा रहा है, टेंशन में जा रहा है, तो उसकी दीवारों के साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन है, इसलिए वो नीचे नहीं गिरता। एक तो वाटर के मॉलिक्यूल ने आपस में एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, दैट इज कोहेशन, फिर वो सीधे हैं तनाव में हैं, दैट इज टेंशन, और फिर बेटा जाइलम की जो वॉल है उसके साथ भी उनके अट्रैक्शन है ताकि वो कॉलम टूट ना जाए, दैट इज अडहेशन। अडहेशन होते दीवार को अडहेयर कर लेना। टेंशन उन्होंने बोला, ये जो हमारे पास जाइलम है ना, इनके इनके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं इनकी टेंशन बहुत ज्यादा होती है, इवन 200 मीटर होती है, जो कि 600 फीट लंबे दरख्त में वाटर ले जाने के लिए उसकी टिप पे काफी होती है। उसके बाद एडहेशन, उन्होंने कहा कि जाइलम की वॉल के साथ भी वाटर के मॉलिक्यूल एडहेयर हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, वो इसलिए कि कॉलम ना टूटे।
अब जाइलम की इस अबिलिटी को, अडहेशन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि जाइलम की दीवारें ऐसी हों जो वाटर को अपने साथ चिपकाएं, यानी कि अडहेयर करें। इसलिए वाटर की जो जाइलम की जो वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी है, और हमें पता है सेलुलोज वाटर में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन उसको अपने अंदर एम्बाइब कर लेता है, उसको अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, थोड़ा सा उसको अपने अंदर जो है वो अडहेयर कर लेता है। तो कंपोजिशन ऑफ जाइलम वॉल जो है उसकी वजह से भी नेसेसरी एडहेशन प्रोवाइड होती है। और चौथा फैक्टर है हमारे पास स्ट्रोंगर जाइलम वॉल। ये जाइलम की जो दीवारें हैं काफी मोटी होती हैं, और ट्रैकेट्स की दीवारें भी, वेसल्स की दीवारें भी, ये ना टूटती हैं ना बक्कल इनवर्ड होती हैं, तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। तो ये जो चार चीजें हैं, कोहेशन, टेंशन, एडहेशन और बेटा जाइलम की दीवारों का स्ट्रोंग होना, इन चारों चीजों की वजह से एक इकट्ठ है जिसकी वजह से, और ये ट्रांसपरेशनल पुल जिसकी वजह से, ये क्योंकि ये ट्रांसपरेशनल पुल इस पूरे फिनोमेने को स्पेसिफिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऊपर ट्रांसपरेशन रुक जाए, बिल्कुल स्टॉप हो जाए, तो वाटर के मॉलिक्यूल का कॉलम भी टूट जाए। तो ये पांच फैक्टर्स हैं हमारे पास, इसलिए इस थ्योरी का नाम कोहेशन टेंशन थ्योरी है। उसके बाद मैकेनिज्म ऐसे ही है कि ट्रांसपरेशन हुई लीव्स में, लीव्स के मोस्टली किन सेल्स में, एपिडर्मस में, स्टोमेटा होते हैं, गार्ड सेल्स में ट्रांसपरेशन हुई, और स्टोमेटा के जरिए सुराख होते हैं, स्टोमेटा के पीछे होते हैं मेसोफिल सेल्स से वाटर गया स्टोमेटा के जरिए बाहर, तो मेसोफिल सेल में पानी की कमी हो गई, टर्गर प्रेशर उनका कम हो गया, वो श्रिंक हो गए, तो पानी वो लेंगे साथ वाले सेल्स से, और उनके साथ पड़ा है जाइलम, यानी मेसोफिल सेल दूसरे मेसोफिल सेल से, और एटलीस्ट वो लीफ के जाइलम तक पहुंचेंगे। सक्शन प्रेशर जो लीफ का जाइलम है वहां तक जब पहुंचेगा, तो लीफ के जाइलम से ये प्रेशर जो है वो चला जाएगा रूट तक, क्योंकि रूट, ये जो जाइलम है हमारे पास लीफ का बेटा, वो इलोंगेटेड होके रूट तक जाता है। जब जाइलम से पानी सारा मेसोफिल सेल्स में चला गया, तो जाइलम में पानी की कमी हो गई, जाइलम एक दूसरे सेल्स से वाटर को सक करते रहेंगे सक्शन प्रेशर के जरिए, और एटलीस्ट ये सक्शन प्रेशर रीच कर जाएगा रूट, और रूट के उस हिस्से पे जो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपरेशन ऊपर हो रही है, इसका जो टेंशन वाला पुल है ये ट्रांसमिटेड होगा डाउनवर्ड, और उस अब्सॉर्प्टिव रीजन ऑफ रूट में पहुंच जाएगा, और वाटर का जो कॉलम है कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, आपने कहा वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, इन फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल टूटेंगे भी नहीं, और सारे मॉलिक्यूल साला वाटर जो है वो तरतीब से ऊपर ही रहता है, कि कभी भी वाटर इनका जो है वो कॉलम टूटता नहीं है। फिर यहां पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्शंस हैं इस थ्योरी के, जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। सबसे पहली है कि अगर बहुत ज्यादा, आपने कहा कि जाइलम की वॉल बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है, लेकिन इतनी स्ट्रोंग नहीं होती कि स्ट्रोंगर विंड जो होती है उसको ये बियर कर सके। तो अक्सर औकात जब स्ट्रोंग विंड चलती होगी तो इनका कॉलम टूट जाता होगा, जाइलम की वेसल्स टूट जाती होंगी, या फिर जाइलम कभी बेंड करता होगा, क्योंकि ब्रांचेस बेंड करती हैं, तो क्या इनका कॉलम भी बेंड कर जाता है। तो ये एक ऑब्जेक्शन था। दूसरा ऑब्जेक्शन के जो सैप है हमारे पास वो वाटर प्लस मिनरल्स है, लेकिन क्या ल्यूमन के अंदर सिर्फ वाटर प्लस मिनरल ही होता है, कभी गैसेस नहीं आती, और मोस्टली इस तरह के सॉल्यूशन में गैसेस बनती हैं, तो जब डिसॉल्व गैसेस हों तो उनके बबल्स बनते हैं, तो बबल्स बनने की वजह से तो वाटर का कॉलम टूट जाना चाहिए, तो ये वाटर का कॉलम तब तो टूट जाता होगा, तो तब क्या जो है वो हमारे पास, तो इसका एक हमारे पास हल तो ये बेटा कि जाइलम कौन सा एक होता है। अगर वो बबल बनता भी है तो कहते हैं कि जो जाइलम के साथ पैरेन्काइमा सेल्स लगे हैं, दे हैव एबिलिटी टू ब्रेक डाउन दैट बबल, और ये जो है हमारे पास विंड, अगर विंड की वजह से उन्होंने कहा ब्रांच मुड़ भी जाए तो वाटर का कॉलम टूटता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।